नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के लिए जो संस्कृत साहित्य अनिवार्य है, उसी की जो वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, उसी क्रम में आज के वीडियो में कालिदास जी की बात करेंगे। ठीक है, आप इनको कहीं भी नोट कर लीजिएगा, पहले इसको तैयार कर लीजिएगा, फिर इसके बाद कहीं और आप इसको ढूंढने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतना ही सफिशियंट होगा, काफी होगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं कालिदास जी की। कालिदास, इनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम सती माना जाता है। ये उज्जैन के निवासी तथा विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक। ठीक है, ये उज्जैन के निवासी थे, प्रथम सती में इनका जन्म हुआ था, विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक थे और दीप शिखा इनकी उपाधि। ठीक है, इनकी उपाधि है दीप शिखा, किसकी? कालिदास जी की। अब अगर इनके साहित्य परिचय हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाटक। पिछले वीडियो में ही मैंने सबसे पहले इनका नाटक है मालविकाग्नि। पिछले वीडियो में मैंने बताया था भास का, इन्होंने इस नाटक में भास को आदर पूर्वक याद किया। मालविकाग्नि मित्रम 5 अंक का नाटक है, इसमें 96 श्लोक। मैंने आपको अपनी किताब के वो समीक्षा की थी, पुस्तक समीक्षा, उसमें बताया था कि कहीं शा और सा में प्रॉब्लम आ गई है एडिटिंग की वजह से। ये देखिए, यहाँ पर ये समस्या आपको दिखाई देगी। चलिए, मालविका तथा अग्निमित्र के प्रेम विवाह का इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम नाम से ही पता चल रहा है, मालविका अग्निमित्रों में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन किया गया है। विक्रमोवंशीयम, विक्रमोवंशीयम 5 अंक का नाटक है, 65 श्लोक है इसमें। इसमें उर्वशी और पुरूर्वा के प्रेम का प्रेम विवाह का वर्णन, उर्वशी और पुरूर्वा के प्रेम विवाह का वर्णन। इसके बाद अगर बात करें संस्कृत साहित्य में, ये शा और सा की ज्यादा समस्या है, बाकी तो इतना नहीं है, पूरी पुस्तक में इतना नहीं है, सारी जगह तो संभवतः ठीक कर दिया गया था, लेकिन जहां संस्कृत साहित्य पीछे दिया है उसमें ये समस्या दिखाई देती है। क्षमा चाहूंगी, आप यथासंभव इसको सुधार कर लीजिएगा, आगे के जो भी एडिशन आएंगे मैं बिल्कुल उसमें इसको ठीक करा दूंगी। उसके बाद अगर बात करें तीसरा इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का नाटक है, जो इनकी अंतिम रचना है। इसमें दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में विद्वानों की उक्ति है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्तरम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकम तत्र श्लोक चतुष्टयम्। ठीक है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तथापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इसके बाद अगर इनके महाकाव्यों की बात करें तो कालिदास जी के महाकाव्यों में आते हैं कुमार संभवम, जिसमें 17 सर्ग हैं। तो कुमार संभव 17 सर्ग का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती विवाह और कुमार कार्तिकीय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के वध का वर्णन किया गया है। शिव पार्वती के विवाह का, कुमार कार्तिकीय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के वध। उसके बाद रघुवंशम इनका महाकाव्य है, जो 19 सर्ग का है। ये इनका दूसरा महाकाव्य है, जिसमें 1569 श्लोक 1569 श्लोक है। इसमें मनु से लेकर अग्निवर्ण तक, राजा मनु से लेकर अग्निवर्ण तक 31 सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन, सारे सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, रघुवंश, रघुकुल वंश, यानी वंश के सारे राजा 31 राजाओं का इसमें वर्णन किया गया। इसके बाद अगर बात करें
कालिदास जी के गीत काव्य की, तो ऋतु संहार। ऋतु संहार 6 सर्ग का है, इसमें 197 श्लोक है। 6 ऋतुओं का गीत शैली में इसमें वर्णन किया गया, 6 ऋतुओं का गीत शैली में वर्णन किया गया है इसमें। फिर आता है मेघदूतम, इसमें 121 श्लोक है। मंदाकांता छंद में ये लिखा हुआ है, अलकापुरी निवासी यक्ष का अपनी वियुक्ता पत्नी यक्षिणी रामगिरी पर्वत के आश्रम से, कहां से, रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का इसमें वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसके अलावा कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि तथा अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही संस्कृत गीत काव्य प्रथम परंपरा के ये प्रथम कवि भी, जो भी महत्वपूर्ण है। देखते चलिए कालिदास जी के बारे में। हाँ, शा और सा की प्रॉब्लम संस्कृत साहित्य में आपको मिली है, इसके लिए मैं आपसे फिर से क्षमा चाहूंगी। कालिदास के जो लघु त्रयी ग्रंथ माने जाते हैं वो है कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, लघु त्रयी। कालिदास के साहित्य को काल क्रमानुसार कई बार पूछ देता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। कालिदास जी के साहित्य को काल क्रमानुसार अगर हम लगाएं तो सबसे पहले आता है ऋतु संहार, फिर कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, लगभग इतनी जानकारी आपको कालिदास जी के बारे में पर्याप्त है जो आपसे पूछी जा सकती है। आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा या तो नोट कर लीजिएगा, जैसी भी आपकी इच्छा। फिर से एक बार कहूंगी, लाइक करने में 1 सेकंड का वक्त लगता है, कृपया मेरे लिए 1 सेकंड का अपना समय खर्च कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना साथ बनाए रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।